तुस दिखा दे NH1 न्यूज़ ते मैं अजय शर्मा। साथियों अज अस तुसें लेइए आए दे जम्मू तो लगभग 50 या 60 किलोमीटर दूर तहसील मैरा मांदरिया ते विलेज धड़ा है और धड़े तो भी 1 किलोमीटर लगभग पिछे जिहड़ी खड्ड है असला खड्ड इहदा नां है। तो इधर जिहड़े अज अस उंदी गलबात करान लगे एक बकरवाल कुंभा साडे कन्ने मौजूद है जुड़े दा है। तो ये साथियों तुसें पहले अस दसी देचे कि ये 6 महीने जिहड़े कश्मीर रोंदे है ते जियां उधर पहाड़े पर बर्फ जां कुछ भी पौंदी है ते इधर आई जांदे है। ते ये हुण ही 10-15 दिन पहले ही इधर पुजे है। ते आओ इंदे कन्ने गलबात करने आ कि किस हिसाब कन्ने रस्ते आंदे है किन्नी नी मुश्किलां होंदियां ने। सारे कोलो पहले की नां जी तुहाडा? मेरा नाम वजीर अहमद है। वजीर अहमद जी आ तुंदे कन्ने अगर तुसीं पुछिया कि जियां तुस कश्मीर दा आंदे हो ते आते टाइम तुसें किन्नी मुश्किलें का सामना करना पड़ता? अस मैं मुश्किल आती मैं रोड दे पर जो नैशनल हाईवे है जम्मू श्रीनगर ये पर असें राती चलना पौंदा, बड़ी मुसीबत आदि ट्रैफिक पौंदा। उस वक्त ट्रैफिक होंदा, फ्रूट सीजन होंदा, बड़ी मुश्किल आदि सानू माल मारा जांदा, बड़ी मुश्किल आती है, राती चलना पौंदा। लगभग कश्मीर तो तुसें आने किन्ने दिन लगते हैं इधर आने? अस रोंदे बनाल एरिया विच, बनाल एरिया विच रोंदे जी जी। तो कम से कम असें लगता कोई महीना समझो जी, एक महीना लग जाता जी जी, लगभग एक महीना लगता। तो इधर जिधर तुस रोंदे हो मेन जगह है जेडे तुहाडे कुल्ले ने जां इत्थे तुस बनाए दे है रोंदे हो, इत्थे ना कोई बिजली है ना कोई पानी है, इत्थे तुस कियां इस जंगलां विच अपना जेड़ा गुजर बसर तुस करदे हो? असें इत्थे भी मुश्किल आती है जी, क्योंकि बिजली के बगैर भी गुजारा नहीं। ते राशन कार्ड भी नहीं साढ़े इधर दे कुंबे दे। अच्छा। राशन भी कोई गवर्नमेंट को असें नहीं थोई। अच्छा। ते इस लिहाजा असें बड़ी मुश्किल आती है। गवर्नमेंट आखती है कि जंगलात एक्ट ला देता है तो वह भी लगना चाहिए सानू, तो बड़ी मुश्किल आती है। इत्थे आने नाल सानू बिजली की भी दिक्कत आती है, बच्चे नू भी जरा दिक्कत आती है, पढ़ने नू जाने नू दिक्कत आती है, असें बड़ी दिक्कत आती है। ये तुरपाल लगा के असी टेंट लाने, टेंटे में भी मुश्किल आती है, पानी भी आ सकता है, असें बड़ी बड़ी मुश्किल है। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे साथ इसमें हलफ किया जाए और कोरोना के दौरान हमारे साथ हलफ किया जाए। वैक्सीन तकरीबन हो गई है हमें, तो हमें यहाँ बैठना उठने में दिक्कत आती है, हमें लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं ज़्यादा, बाकी राशन की कि राशन कार्ड साढ़े इधर दे नहीं बने दे नहीं बने। अच्छा। तो अगर गल करचै कि इधर पानी भी नहीं है, मतलब करोना का टाइम जी 2 साल पहले करोना होया तो वो अपने बच्चे ही जोड़े स्कूल जाते हैं उन्हें कियाँ तुम पढ़ाते जियाँ उन्हें अपनी पढ़ाई की है, मतलब कि इं तो बंदा पढ़ी नहीं सकता है, मतलब स्कूल दे बंद है फिलहाल करोना के टाइम से, तो तुहाडे बच्चे जियां ऑनलाइन क्लासा, बाकी दे चलो बच्चे जिंदे कोल फोन है वह चलो पढ़ा दे ऑनलाइन क्लासा ला दे, मगर तुहाडे कोल फोन तो होंगे मगर लाइट नहीं है, किन्नी मुश्किल आती तुसें इधर लाइट के बगैर? 2-3 किलोमीटर जाइए असें फोन चार्ज करने पैंदा जी जी,
वो चलते राती दो त्रै घंटे चलते जी, फिर डाउन हो जाते, फिर वो कितने बच्चे ने पढ़ना, छोटे छोटे बच्चे वो इस वास्ते नहीं बच्चे साढ़े पढ़ सकते, बड़ी मुश्किल है सानू ते राशन दी तो बिजली दी। अगर गौरमेंट नू मैं रिक्वेस्ट करता है कि सानू इत्थे बिजली दे लग जाए तो असी ठीक होना, अंदर बच्चे साढ़े पढ़ जाते, से मुश्किलात साड़ी खत्म हो जाती है। अगर गल करचै कि जियां कि मतलब परमानेंटली छे महीने के बाद तो छे महीने कश्मीर जांदे हो, छे महीने के बाद तुसें फिर आइए इस जगह मतलब डेरा लाना होंदा है। ये जो मैं तुसें दसी दें कि मेन रोड है जो अखनूर वाला, उत्थों तो लगभग अद्धा जां पौना किलोमीटर उपर हर साल मतलब जदों के भी ये आते हैं इत्थे ही रोंदे है, तो अगर लाइट का एक खंभा मतलब लगी है इन्हें वास्ते तो मतलब परमानेंटली इन्हें आना होंगे। चलो लाइट के बगैर राती इन्हें किन्नी मुश्किल आदि ने, जां सप्प कीड़े की बहार हो तो उस कियां मतलब राती अगर कोई बंदा बीमार हो तो उस कियां उसी लेइए जांदे हो? मुश्किल हो जाती है, फिर प्राइवेट गड्डी करवानी पौंदी, फिर अस्पताल जाना पौना, लखनऊ ला रहा सी, बड़ी मुश्किल है। प्राइवेट गड्डी बिच जांदे हो तुस? अच्छा, तो अगर गल करचै कि जियां गोल्डन कार्ड लोकें दे बने आ जियां मतलब कि इलाज वास्ते जिहदे विच 5-5 लाख रुपए का इलाज फ्री गौरमेंट की तरफ तो मिला दा सारे, क्या तुंदे वो कार्ड बने अज तक? नहीं, साढ़े वो रेशन कार्ड नहीं बने, तो उत्थे कित्थे बनने, रेशन कार्ड के बगैर थोड़े बनते हो? राशन कार्ड ही नहीं है तुहाडे? रेशन कार्ड ही नहीं। अच्छा, रेशन कार्ड नहीं हो, रेशन कार्ड तो बगैर वो नहीं बनते, डाकूमेंट बराबर होंगे, साढ़े रेशन कार्ड ही नहीं बने। तो हुण तुस गौरमेंट अगे के अपील करना चाहते हो, मतलब कि के आखना चाहो लास्ट गौरमेंट ही? कि गौरमेंट के अपील करने के पहला काम है साढ़ा रेशन कार्ड जी, दूआ काम है साढ़ा लाइट दे दे, तो बाकी साढ़ा जिहड़ा गुजर है जंगल दे विच रहना तो वो तो रहना ही रहना, असीं सिक्के साडी रोटी रोजी इत्थे ही पैदा होंदी है, हां असीं रहना ही रहना इत्थे जंगल विच, क्योंकि साडी रोजी रोटी का कोई मतलब और जुगाड़ नहीं बन सकता, मुलाजमत नहीं, कुछ नहीं, मसला नहीं, इत्थे रहना पड़ना, असीं जंगल विच माल पालना अपना, तो अपना गुजारा चलाना। तो ये मेरे पिछे तुस दिखा दे हो जिथे इन्दे अंदर अस बैठे दे आ, जिथे ये बेचारे राती रात कटदे है, तो इत्थे ही भुंजा है अपने गद्दे गुद्दे जां कुछ भी पाइए, इधर ही कच्चे कुल्ले विच रात कटदे है, तो अगर बरखा आई है तो इन्नी किन्नी मुश्किलों का इन्हें सामना करना पौंदा इधर। अगर वजीर अहमद जी गल करचै, अगर बरखा आई है पानी अंदर आई है तो किन्नी मुश्किल आती, तो इन्नी बड़ी मुश्किल आती, जान बचानी मुश्किल पै जाती, हाँ फिर पानी आया बरखा जल्द होती उपर इतने, तो फिर भी थोड़ा इंतजाम बन जाता, जिते रस्ते बरखा आएगी ना इन्ने इन्ने ओले पौधे एन पौधी है, तो फिर किन्नी मुश्किल होनी है। तो इधर जेडे तुह कुल्ले बनाए दे गल करचै, कुल्ले बिच इंदे अंदर बरखा नहीं आती है, अगर तूफान चले अगर उड्डी जान जां टेंट फटी जान तो किन्ना मुश्किल है सामना करना पौंदा तुसें? वो तो बड़ी मुश्किल है, फिर मुश्किल होनी, फिर नसना पौना, फिर इत्थे मत रहना होंदा, क्योंकि खड्ड भी चल दी होंदी है, बरखा तो पौंदी है इत्थे, जेल्लै ज्यादा बरखा हो गई आवाज तुरपाल नूं किन्नी आवाज कम करेगी, लैंटर मकान उड़ जाते, टीन उड़ जाते, नहीं उड़ जाते तो एक तुरपाल उड़ जाना। तो अगर जियां ये मतलब कि जंगले विच सप्प कीड़े भी होंदे है, तो सप्प कीड़े कोला मतलब बचने वास्ते जां ये ते बिल्कुल जंगल है लोकें दे ते घरें विच आई जांदे आ सप्प कीड़े, एड्डी कोई वड्डी गल नहीं है, लेकिन ये ते बेचारे बिल्कुल जंगलों विच रोंदे आ खड्डा विच, इत्थे नहीं सप्प कीड़े दा किन्ना डर होंदा है, जां राती कोई भी चीज़ अंदर अंदर आ सकदी है, तो किन्नी मुश्किल आती है तुसें कई बार? बड़ी मुश्किल आती है, सप्प ते इस इलाके दा जिहड़ा सप्प होंदा होंदा भी जहरीला है, तो किन्नी मुश्किल होनी है, लावन ताजा तुसें फिर नसना ही पौना, इत्थे मत रोना पौंदा, नसना पौंदा बंदे गी, मुश्किल तो बड़ी आउंदी इत्थे। ते और तुस कुछ सरकारी एह्दे बारे च कुछ आखना चाहते हो? मतलब असी एह आखना चाहते कि असी थोड़ी जगह मिल जाए तो ठीक है, सारे कोलों बेहतर असी भी कुछ झोपड़ी छोपड़ी बना लेंगे, असी भी बह जाएंगे। ते कुछ और लोग भी साढ़े कन्ने मौजूद ने गलबात करने वास्ते, इंदे कन्ने भी गल करने आ, केह नां जी तुहाडा? रबीना। रुबीना जी, अगर गल करचै जियां कश्मीर तो तुस आंदे हो, लगभग किन्ने दिन लगदे आ तुसें कश्मीर तो इत्थे पुज्जदे? दो त्रै दिन लग जा। दो तीन दिन लगदे आ, मतलब कश्मीर तो जियां ये आंदे आ रस्ते कुदे भी रात पई आए ते रोटी शोटी बनानी होए किन्नी मुश्किल आंदी तुसें रस्ते? हां मुश्किल आंदी है। किन्नी मुश्किल आंदी तुसें? बड़ी मुश्किल आंदी है। ते बेचारे जेहड़े इधर आए, जियां मोदी सरकार की तरफ तो लोकें गैसां भी पहले लभियां ने,
इन्हें भी पूछने सिलेंडर दे गैस कई गरीब घरे लोग मिली है तुसे मिली है गैस दे सिलेंडर नहीं कोई कुछ नहीं मिले गवर्नमेंट की तरफ ना ते इंदा आखने साफ है आखा दे कि इन्हें मोदी सरकार की तरफ तो जेडे गैस सिलेंडर पहले लोग मिले ओदी भी कोई सुविधा नहीं है ते के आखना चाहते हो तो गवर्नमेंट ही अपनी तरफ तो के अपील करना चाहते हो सब गैस शैस थोड़ी ज्यादा और ठीक गल है जंगल बच रहा और भी कुछ लोग साढ़े कन्ने मौजूद ने गलबात करने वास्ते के नाम जी थोड़ा रजिया 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 जी अगर गल करचै तुस भी कश्मीर तो आंदे हो इन्नी दूर इधर आई है इस इलाके बिच तुसें किन्नी मुश्किलें दा सामना करना पौंदा इत्थे अगर रुट्टी शुट्टी जां सब कुछ नए कुल्ले बनाने हैं नए बार मिट्टी लानी है हर बार इयो काम होंदा किन्नी मुश्किल आंदी है इत्थे काम करदे बड़ी मुश्किल ते मैं जंदे जंदे ही नहीं आखगा अगर एन एच वन दे दर्शकें कोई अपनी तरफ तो एक गाना सुनाना चाहंदे le di gani la ni sa challa na shani la ni sa ma mar tuda ni aaya padi re mara yo me di acha matha परदेश जुले मुख मामा दे कर छोड़ी जुले मुख मामा दे कर छोड़ी जुले ना मारे मामी को तारना सी जाना देश बगाने देश जुले पर देश जुले मुखो चाचा दे कर छोड़ जुले मुखो चाचा दे कर छोड़ जुले ना मारे चाचा मुखो ताना असी जाना देश बेगाने असी जाना देश बेगाने देश जुले पर देश जुले मुखो चाचा दे कर छोड़ जुले मुखो चाचा दे कर छोड़ जुले ना मारे चाची मुखो ताना असी जाना देश बगाने असी जाना देश बगाने ये रजिया और उन्दे कन्ने उन्दे दो सहयोगी भी आए जिन्हें सानू कश्मीरी गाने भी दो सुनाए है लेकिन आखने का मतलब ये है कि अगर ये चाहते ये भी अच्छे प्लेटफॉर्म उपर पुजी सकते हैं मगर ये बेचारे इधर जंगले बिच ही रोंदे अगर ये इन्हें कोई प्लेटफॉर्म अच्छा मिली सके तो ये भी अगे दूर तक पुजी सकते हैं अगर इन्हें गवर्नमेंट की तरफ तो कोई हैल्प होए दूर अगे तक पुजी सकते हैं ये भी गाने गाई सकते हैं अच्छे सिंगर बनी सकते हैं तो ये है साढ़े कन्ने बजीर अहमद जिन्हें सानू दस्या कि ये जंगले बिच छे महीने इधर रोंदे है किन्नी इन्हें मुश्किलों का सामना करना पौंदा इधर दे जेड़े इंदे राशन कार्ड भी वो नहीं हैं ते गोल्डन कार्ड भी इंदा कोई नहीं बने दा है इंदा आखना गवर्नमेंट अगे अपील करा देन कि इंदे जेड़े राशन कार्ड ने वो इधर दे बनी जान या फिर जी इंदे गोल्डन कार्ड ने जेड़े वो इन्हें थोई जान क्योंकि ये जंगले बिच हर साल आते हैं तो जंगले बिच कल्ले रोंदे है बिना पानी कोई पानी की भी सुविधा नहीं गवर्नमेंट की तरफ तो है नहीं है मगर फिर भी ये खड्डा चू अगे पिछे जिधर पानी होंदा है उत्थों आनी है तो बिजली इंदे कोल नहीं होंदी है लेकिन टार्चे टूर्चे कन्ने ये जेड़ा अपने गुजर बसर जेड़ा है वह करते हैं तो आने वाले टाइम उपर कोई नए शख्स कन्ने दोबारा मुलाकात करगे कैमरामैन मनीष शर्मा कन्ने मैं अजय शर्मा एन एच वन अखनूर धड़ा